हत्याओं का दौर चल रहा था, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद नए भारत के निर्माण के साथ, जिस नए भारत का निर्माण करके एक श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रस्तुत किया है, आज दुनिया के अंदर उसका सम्मान है और उसके कारण हर भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है। याद करिए ना, आज भारत G20 के देशों की अध्यक्षता कर रहा है, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई क्राइसिस आती है भारत की ओर आशा भरी निगाहों से दुनिया देखती है। आज भारत दुनिया के अंदर अपने टैलेंट के कारण, अपनी टेक्नोलॉजी के कारण और अपने युवाओं की ट्रेनिंग के कारण जाना जा रहा है। आज भारत के अंदर तुष्टिकरण नहीं होता है, आज नए भारत के अंदर अपने नागरिकों के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाता है। ये तुष्टिकरण की राजनीति समाप्त हुई तो भारत के सशक्तिकरण की बात प्रारंभ हुई, और इस सशक्तिकरण की बात का ही परिणाम है कि करोड़ों लोगों को मकान मिल गए, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बन गए, करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया, 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन मिला है। ये केवल भारत के अंदर हो रहा है, दुनिया के अंदर अन्य कहीं नहीं हो रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है, और भाइयों बहनों, जैसे भारत के बारे में धारणा बदली है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी धारणा बदली है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो धारणा बदली है, उसे उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अपने मिशन का हिस्सा बनाया है।
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है। सिटी सर्विलांस सेंटर के माध्यम से न केवल स्वच्छता के कार्यक्रम को ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ वहां की स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी नियंत्रित किया जाता है। याद करिए कोरोना काल में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ही काम किया। दो वर्ष पहले जन्माष्टमी के दिन में आया था फिरोजाबाद का बेबू का कहर था, लोग जन्माष्टमी का उल्लास मना रहे थे। तब मैं फिरोजाबाद में घूम रहा था यहाँ की गलियों में और यहाँ के सांसद विधायक महापौर के साथ यहाँ की गलियों में देख रहा था। इस डेंगू को रोकना है, कंट्रोल करना है और इसको यहाँ की टीम ने कंट्रोल भी कर दिया। भाइयों बहनों, आज हमारी पहचान एक नए सिरे से देश और दुनिया सम्मान कर रही है। अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, करोड़ों नौजवानों को रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी और उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के टैलेंट को, यूपी के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने और फिर उसको स्थानीय स्तर पर भी नौकरी उपलब्ध कराने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनने जा रहा है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपके फिरोजाबाद जिले में भी बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, हजारों करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। हजारों करोड़ के प्रस्ताव हजारों नौकरियों को लेकर के आने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना है। पिछले 5 वर्ष के अंदर आपके फिरोजाबाद के अंदर ही अगर मैं आपको बताऊं कितनी योजनाओं का पैसा आया है। अकेले प्रधानमंत्री आवास शहरी में 44,700 से अधिक लोगों को एक एक आवास मिला है। याद करिए एक समय था 2017 के पहले जब गरीबों की जमीनों पर और उनके मकानों पर जबरन कब्जा कर लिया जा रहा था और आज गरीब को मकान दिया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए हर गरीब को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 44,717 गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। यहाँ पर नगर निगम ने 35,279 को और शेष आवास अन्य नगर निकाय जो है यहाँ पर उनमें 9,428 को दिया गया। पहले व्यापारियों से और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले जो व्यापारी हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, इन लोगों से रंगदारी वसूली होती थी और अब 22,535 वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंक यानी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया है। और ये बहनों, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है और आपके फिरोजाबाद में 14,150 निराश्रित महिलाओं को, 4,931 दिव्यांगजनों को, 18,358 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 792 महिला स्वयं सेवी समूह को 79 लाख का रिवॉल्विंग फंड भी उपलब्ध किया गया है और मुख्यमंत्री नगर सिंचन योजना में नगर निगम फिरोजाबाद का विस्तार हुआ है और नगर पंचायत मखनपुर का सिंचन भी हुआ है। अमृत मिशन में 323 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाएं स्टेट सेक्टर से हम लोगों ने आपके फिरोजाबाद के लिए स्वीकृत की है और इसके साथ ही फिरोजाबाद जनपद में अमृत स्टेट सेक्टर योजना के अंतर्गत 86 करोड़ की 6 अन्य परियोजनाएं भी स्वीकृत हुई है। 27 करोड़ की परियोजना पूरे होने से
17,325 टेक्निकल शौचालयों का निर्माण हुआ है और 511 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। काना ओपन का भी निर्माण हुआ है और साथ साथ नगर निगम के साथ साथ अन्य नगर निकायों में भी जो अंत्येष्टि स्थल है इनके निर्माण का कार्यक्रम हुआ है। 5 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में भी धनराशि स्वीकृति की गई है। भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन विकास के लिए विजन भी चाहिए और विकास के लिए नेतृत्व भी चाहिए और उसी विजन के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को यूपी का मिशन मान करके हम लोग आज इस नगर निकाय चुनाव में आए हैं। पहले 2014 के पहले कांग्रेस का फेल्ड इंजन और यूपी में समाजवादी पार्टी का फेल्ड इंजन उत्तर प्रदेश के विकास को पिछाड़ता था और अब डबल इंजन डबल स्पीड के साथ विकास के कार्यक्रमों को जमीनी खाता पर उतारने का कार्य कर रहा है। इस डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन भी चाहिए। ट्रिपल इंजन की ताकत का एहसास आपने देखा होगा, गरीबों को मकान मिल रहे हैं। ट्रिपल इंजन का एहसास है कि पेयजल की योजना लागू हो रही है, शिविर की योजना लागू हो रही है। 2017 के पहले तो कांच का उद्योग बंद हुआ, प्रोडक्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट में हब के रूप में हमारा फिरोजाबाद आगे बढ़ रहा है और इसके भाइयों बहनों आज मैं आप सबसे अपील करने के आया हूं, ये नगर निकाय का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये जाति मत और मजहब के आधार पर कटने वाला चुनाव नहीं है। डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक सक्षम और योग्य बोर्ड चुनाव है और उस बोर्ड के माध्यम से जनता की बुनियादी सुविधाओं का समाधान करने का चुनाव है और फिरोजाबाद ने इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपको दिखाऊं मैं स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में 3,10,000 तक की जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में नगर निगम फिरोजाबाद को प्रयास होते हैं तो सब आ जाता है और इसीलिए आज मैं आपके पास आए हूं आपसे बात करने के लिए। आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के महागौरव को जिताया था। भाइयों बहनों, फुल मेजोरिटी का गौरव होना चाहिए, फुल मेजोरिटी का गौरव और साथ साथ अन्य नगर निकाय भी है, यहाँ पर हमारे जो महापौर की प्रत्याशी है उनको बुला रहा हूँ, एक बार सबका जोरदार ताली बजा करके इनका अभिवादन करेंगे। श्रीमती कामनी राठौर महापौर सबकी प्रत्याशी है, श्रीमती रानी देवी गुप्ता प्रत्याशी सिंदोहा पर, श्री दीपक बाजोरिया प्रत्याशी टोंडला, श्रीमती रंजना सिंह प्रत्याशी सिरसागंज, श्री राजीव गुप्ता प्रत्याशी जसराना, श्रीमती गीता दिवाकर प्रत्याशी मकवानपुर, श्रीमती माया देवी स्वागत प्रत्याशी एका और श्रीमती रेखा देवी प्रत्याशी सफरिया, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी गण हैं और इसमें से तो मैं देख रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो केवल 6 तो केवल महिलाएं हैं, नगर निकाय इकाइयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का मतलब नगर स्वच्छ और सुंदर होने जा रहा है। आप इन सबको जिताएंगे, दोनों हाथ लगा के बोलो, दोनों हाथ लगा के सभी जिताएंगे ना, इनके साथ इनका कोई
के लिए उतारा है, इन सभी को चुनौती देना है, कौन चुनाव चिन्ह पर सभी सहमत हैं।